हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई विश आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। एंड सो दिस इज़ टुडेज व्लॉग, एंड इस व्लॉग में मैं आज एक जैपनीज डिश बनाने वाली हूँ जो कि तोफू, जो कि मेरे फ्रेंड्स ने भी आप एक नए व्लॉग में देखा था कि मेरे फ्रेंड्स जब घर पर आए थे तो उन्होंने मेरे लिए बनाया था, तो उसी का ही वो कुछ मेरे को एज अ प्रेजेंट दे के भी गए थे, तो वही सोच रही बना लूँ, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। एंड उसके लिए मैं कुछ शॉपिंग भी, मुझे वेजीज की भी ज़रूरत थी, वो मैं ऑलरेडी शॉपिंग करके लेके आ गई हूँ। सो आपको भी दिखाऊंगी, क्योंकि अगर आप में से भी कोई भी जापान आ रहा है तो तोफू क्या होता है, बेसिकली जो तोफू होता है वो सोया बीन्स जो होती है उनसे, उनको क्रश करके, उनको पहले 12 से 13 घंटे वाटर में रख के उसके बाद उनको क्रश करके तब बनाया जाता है, सोया बीन्स का होता है। तोफू में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है जिससे कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट की बात कि जापान में जो तोफू रहता है वो लाइक और चीज़ों की बजाय वो सस्ता मिलता है, आपको बहुत सस्ता भी मिल जाएगा। एंड आप इसको नॉर्मली अच्छे से खा सकते हो अपने डेज में, लाइक जब आप कंपनी जा रहे हो, वर्क पे जा रहे हो, एंड आपके पास बहुत, ये बनता भी बहुत इजीली है, बन जाता है, बहुत कम टाइम लेता है, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके। सो उसकी वजह से आप अगर जापान आ रहे हो, आपके पास बहुत फास्टली कुछ बनाने के लिए नहीं है, तो आप तोफू बना सकते हो, आराम से खा सकते हो। सो मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। वैसे मैं थोड़ा सा मतलब डरती हूँ, मेरे को इंडियन खाना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं एवरीडे इंडियन खाना ही बनाती हूँ। एंड मुझे उसमें कोई आलस भी नहीं आता है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा या कोई कुछ भी ऐसा, तो मुझे वह अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मैं अभी नई नई हूँ, तो मैं ट्राई कर रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट जैपनीज थिंग्स। एंड अभी मैं आज ये तोफू बना के देखती हूँ तो कैसा बनता है, खा के देखते हैं। तो उसके जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैंने यहाँ पे सारे मटेरियल रेडी कर लिए हैं, जो कुछ मेरे पास सारे थे ही नहीं, वैसे भी मैं खरीद के लेके आई हूँ अपने पास वाले मार्ट से। तो उसके लिए मेरे को क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए मैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले ऑब्वियसली तोफू की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ तोफू ऐसा आता है ठीक है, जो कि बहुत कम प्राइसेस में आपको अराउंड 60-70 रुपीज़ में एक ये पैकेट आपको मिल जाएगा। सो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये बेसिकली पनीर की तरह होता है। एंड इसकी प्रोसेस भी, जो बनने की प्रोसेस भी होती है वो भी, जैसे इंडिया में हम पनीर बनाते हैं ना, लेमन डाल के एंड उसको कुछ टाइम के लिए रख दिया जाता है, उसको टाइट कर दिया जाता है, सेम इसकी प्रोसेस पनीर की तरह ही होती है। तो बेसिकली ये पनीर टाइप भी बोल सकते हो, इसका टेस्ट भी बिल्कुल, इसमें कैसा भी टेस्ट नहीं आता, पनीर का टाइप का ही टेस्ट आता है। तो तोफू चाहिए हमें। उसके अलावा ये हमें इनको जापानीज़ में नेगी, ओनियन के जो ऊपर लगी होती है ना, इनको नेगी बोलते हैं, तो ये चाहिए हमें। एंड उसके अलावा हमें ये चाहिए, ये क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक टाइप का मशरूम है जो कि जापान में बहुत सारे टाइप के मशरूम मिलते हैं, तो ये भी उसका एक टाइप है। मतलब हमें लाइक डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, एंड जैसे अपने इंडिया में तो एक टाइप के मशरूम मिलते हैं, यहाँ पर आपको जापान में बहुत टाइप के मशरूम्स मिल जाएंगे। मैंने तो एक टाइप के देखे हैं इंडिया में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नहीं देखे। तो उसमें ये वाले मशरूम्स, ये पतले पतले जो होते हैं, तो ये भी डलेंगे इनमें, फ्रेश हैं बिल्कुल, तो इन मशरूम्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इनका जैपनीज में नाम है इनोकी बोलते हैं इनको, तो ये मशरूम्स हैं वो, ये क्या हो गया ठीक है। उसके अलावा मैं लेके आई कैबेज, लाइक हमें कोई भी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हो, लेकिन जो मेरे को नेसेसरी लगा मैं वो लेके आई हूँ बेसिक, तो ये कैबेज भी मैं लेके आई हूँ जो कि इसमें डलेगा ठीक है। उसके अलावा जो नेसेसरी है वो लेके आई हूँ। उसके अलावा ये कुछ वो है साल्ट, ये एक साल्ट है जो कि तोफू में डलेगा ठीक है, तो ये साल्ट हमें चाहिए, बेसिक साल्ट ठीक है। उसके बाद सबसे ज़रूरी क्या है, इस जो तोफू है वो मतलब इन इंग्रेडिएंट से बनेगा, लेकिन जिसको खाएंगे वो ये सॉस है, ये मतलब लाइक लेमन सॉस है, जैपनीज सॉस है, तो इसके साथ ही हम जब तोफू खाएंगे तो टेस्ट डिफरेंट आएगा वैसे तोफू में, क्योंकि सब्जियों का वैसा कोई टेस्ट नहीं होता, जब ये सॉस है ना इसका ही टेस्ट होता है, इसके साथ जब हम इसको खाएंगे तो उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बेसिक ये सॉस का यूज़ करेंगे। तो अब जल्दी से ना सभी सब्जियों को कट कर लेते हैं, उसके बाद मैं वॉश करूँगी।
सो गाइस दिस इज़ द टोफू जो कि बन के रेडी हुआ है एंड देखने में तो अच्छा लग रहा है। अभी खा के देखते हैं कि ये कैसा लगेगा। सो अब बारी है इसको खाने की, तो देखते हैं कैसा टेस्ट करता है ये। सबसे पहले सॉस डालेंगे। सब जैपनीज डिश खा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है तो हाशी से खाएंगे। कोशिश करूंगी जिससे खाली हो गई मेरी एंड टोफू। अब बात आती है टोफू के रिव्यूज़ की, तो रिव्यूज़ में मैं यही कहूँगी
हम इंडियंस को इतना मतलब ज़्यादा सादा खाना खाने की आदत नहीं होती, इसलिए मेरे को भी कभी कभी मेरे को मेरी भी ऐसी सिचुएशन आई खाते टाइम भी कि अब मैं और नहीं खा सकती, बट मेरे को कंप्लीट करना था तो मैंने कंप्लीट किया। एंड आप एक बार टेस्ट करके देख सकते हो, एंड इसमें कुछ भी नॉन वेज जैसा नहीं है, कुछ भी नॉन वेज टाइप का कुछ भी नहीं है। ये बीन्स होती हैं एंड उनसे ये प्रोसेस करा जाता है, एज लाइक पनीर की तरह ही प्रोसेस होता है इसका। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि भाई टोफू खा के ना मतलब सरवाइव नहीं कर सकती मैं तो। मैं अपने रिव्यूज़ दे रही हूँ भाई, कोई इंडियन ऐसा भी पैदा हुआ हो जो कर सकता है, क्योंकि ये बहुत लाइट खाना है। हम इंडियंस को ना बहुत हैवी हैवी खाने की आदत होती है, हम बहुत ऑयली खाते हैं। उसके अलावा अब मैं तो हरियाणा की हूँ, हम चार चार टिक्कड़ खाते हैं, ठीक है? तो इस थोड़े से घास सब्जी में मेरा तो पेट नहीं भरेगा, मैं तो कुछ बनाने जा रही हूँ भाई। अच्छा था अगर ट्राई करने के लिए, अच्छा था, लेकिन हमें ऑलरेडी आदत हो रखी है बहुत ज़्यादा ज़्यादा खाने की, ठीक है? तो हम थोड़ा सा मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने व्रत कर रखा हो, ठीक है? अच्छा था, बहुत अच्छा था टेस्ट में। एंड अभी मैं तो कुछ बनाने जा रही हूँ हैवी सा, मेरा मन है आज कि मैं पकौड़े बनाऊँ, तो मैं वो बनाऊँगी और खाऊँगी। एंड अगर आपको टोफू की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। आप भी जापान में, इंडिया में तो शायद ही नहीं मिलता होगा, मुझे नहीं पता, अगर इंडिया में भी मिलता हो किसी को कहीं दिखा हो तो मेरे को भी बताना। आपको अच्छा टेस्ट लगे तो आप इसको आराम से बना के खा भी सकते हो, इसका मेकिंग प्रोसेस बहुत इजी है। एंड इसके अलावा इसमें जैसे आपको पता ही है कि जुगाड़ तो हर लोग किसी ना किसी भी चीज़ में ढूंढ लेते हैं, इसको भी फ्राइड करके भी, इसको भी बहुत तरह से बना बना के खाया जाता है और भी अच्छा टेस्ट करता है। तो ये नॉर्मल था, इससे अच्छा था। बेसिक जो मेन है वो ये सॉस है, ठीक है? इस सॉस से ही इसका टेस्ट बेटर बनता है, ठीक है? उसमें तो कोई टेस्ट होता ही नहीं है, वो जो नमक का टेस्ट होता है वो भी हमने जैसे पानी निकालते हैं उसमें से इसको वेजीज को निकाल लेते हैं, तो बेसिक टेस्ट इस सॉस का है। कोई अच्छी अच्छी वीडियो, डिफरेंट वीडियो लेके आऊँगी जापान की, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपको मिलेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, ऐसे ही आप बने रहिए, अपना आशीर्वाद दिखाते रहिए।